इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? मोगली सुनो तो, मैं हूँ पप्पू। क्या हुआ? सुनो मोगली, कुछ गड़बड़ है। बगीरा, कुछ तो है। देखो साथियों, मोगली आ रहा है। आज सुबह से ही उदास लग रहा है। अब भेड़ियों के साथ उसकी नहीं बनती, इसीलिए घर छोड़ के जा रहा है। घर छोड़कर रहेगा कहाँ वो? अब कहीं भी रहे, यहाँ से तो हो गई छुट्टी। क्यों मोगली, कुछ तो बोलो। डर गए क्या? बेचारा गुस्सा हो गया। अरे मोगली, बुरा तो नहीं मान गए तुम? जरा सुनो तो। हम मनुष्य से ऐसे ही बात करते हैं। इतना अकड़ते क्यों हो? आओ खेलो हमारे साथ। आ गया, बहुत गुस्से में है, भाग लो। अब नहीं छोड़ूंगा। बस करो, मैंने कहा बस करो मोगली। क्यों लड़ रहे हो? सुना नहीं तुमने? छोड़ दो उस बंदर को। बहुत हो गया मोगली, अब नीचे उतरो वहां से। मैंने कहा नीचे उतरो वहां से। अब बताओ मोगली, ये सब क्या हो रहा था? खैर ज्यादा चोट नहीं आई। क्यों उलझ रहे थे बंदरों से? क्या हो गया तुम्हें आज? सुबह से देख रहा हूं, जब तुम नदी के किनारे आए थे मुझे लगा कि तुम मुझसे मिलने आए हो, लेकिन तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं, अपनी धुन में चलते ही गए। तुम्हें किस बात की परेशानी है? क्यों उदास हो? बताओ मुझे, बोलो मोगली। देखो मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूं, हूं ना? बस करो। तुम मेरे दोस्त नहीं हो बगीरा। मनुष्य का कोई दोस्त नहीं होता। मैं भी एक मनुष्य हूं बगीरा। मोगली ये क्या कह रहे हो तुम? सुनो। नहीं तुम सुनो, मैं जंगल छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी वजह से पकड़ू को पीटा गया, विक्रम भी यहाँ से चले गया। कोई नहीं चाहता कि मैं यहाँ रहूं। तुम अच्छी तरह जानते हो ये सच नहीं। क्या अपनी माँ को भूल गए? तुम्हें कितना चाहती है। और तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाई तो तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं। मोगली, क्या तुम्हारी माँ जानती है कि तुम जा रहे हो? बोलो मोगली। मालूम था मुझे। अब ध्यान से सुनो, जो बच्चे बड़े होकर अपनी माँ का घर छोड़ते हैं वो कानून का पालन करते हैं। तुम्हारे भाइयों ने भी ऐसा किया। अकेले कहीं निकलने से पहले तुम्हें अपनी माँ की अनुमति लेनी होगी। तुम ऐसे ही चले गए तो नियम तोड़ोगे, और तुम्हारी इस नादानी से सबसे ज्यादा दुख तुम्हारी माँ को होगा। हाँ मोगली, वो ये दुख नहीं सह पाएगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है मोगली। आओ मोगली, घर चले। आओ अब चलो भी।
कोई चाहता ही नहीं कि मैं झुंड में लौटूं। मैं उन जैसा भेड़िया नहीं, मनुष्य हूँ। ये तुमने कैसे सोच लिया? भले ही तुम अपने आप को मनुष्य कहो, लेकिन मुझे विश्वास है तुम भेड़िए हो। चमेली, अकड़ू, पकड़ू, सरपंच, भालू, पप्पू और का भी तुम्हें भेड़िया समझते हैं। अब तुम ये कहना चाहते हो कि हम सब गलत हैं और तुम सही हो। ये कहना चाहते हो कि तुम मोती के बेटे नहीं, जिसने तुम्हें जान से ज्यादा प्यार किया। जवाब दो मोगली, बोलो जल्दी। चमेली, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माफी मांगो बगीरा से। मोगली, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? मुझे माफ कर दो बगीरा। हाँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मोगली। मुझसे अनुमति लिए बिना ही तुम घर छोड़कर जा रहे थे। तुम कानून तोड़ रहे थे मोगली। मैं जानती हूँ कि तुम दुखी हो, लेकिन क्या तुम ये भूल गए कि तुमने अपने पिता से वादा किया था कि तुम एक सच्चे भेड़िए बनकर दिखाओगे? क्या ये भी भूल गए कि तुम मोती और चमेली के बेटे हो? तुम भूल सकते हो मोगली, मगर मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और हमेशा रहूंगी। मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा मोगली, कभी कम नहीं होगा। बगीरा, चलो। मोगली से भी तो पूछ लो। माँ, क्या बात है बगीरा? आई, ये तो खरोच लगी है। ये सब कैसे हुआ बगीरा? झगड़ा कर रहे थे क्या? बिल्कुल नहीं, झगड़ा और मैं? तो फिर इतनी खरोचे कहां से लग गई? क्या भालू, इसे तुम खरोच कहते हो? ये तो यूं ही बस। अच्छा भाई, खरोच ही है। सच ये है कि मैं बंदरों के साथ लड़ाई कर रहा था। हाँ, मैं जानता हूँ तुम सबको विश्वास नहीं हो रहा, मगर वो बंदर मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगे। मुझे इतना गुस्सा आ गया, मैं आपे से बाहर हो गया था। और फिर बंदरों का पूरा झुंड मुझ पर टूट पड़ा। हाँ, खूब जमकर लड़ाई हुई। अच्छा, मतलब ये सब बंदरों ने किया है? हाँ, ये खरोच मारने के सिवा और करते भी क्या। चमेली, मोगली कहाँ है? यूं ही कहीं घूम रहा होगा। इतनी हिम्मत तो उसमें है नहीं कि अपनी माँ को छोड़कर चला जाए। हाँ, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, तैरने गया है नदी पर। तब तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ तुम उस पर कड़ी नजर रखो। साथियों, ध्यान दो, मोगली भी हमारी तरह एक सच्चा भेड़िया है। तुम उसे परेशान करना बंद कर दो। क्यों घूर रहे हो मुझे? लो बगीरा, तुम जाके आराम करो। क्यों चिंता करती हो? इन खरोचों से मैं मरने वाला नहीं हूँ। बगीरा, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं हुआ। चमेली, मोगली के पास नाखून और पंजे नहीं जो किसी को नुकसान पहुंचा सके। उसे माफ कर दो बगीरा। मुझे उससे कोई नाराजगी नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि वो खुश रहे बस। बगीरा,
मोगली का ख्याल रखना मेरी खातिर। अकड़ू, अब पकड़ू कैसा है? पहले से बहुत अच्छा है। कुछ दिन और आराम करेगा तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अकड़ू की देखभाल से बहुत आराम मिला है मुझे, लेकिन मुझे मोगली की बहुत फिक्र है। वो बेचारा सबके ताने सुन सुनकर उदास हो गया है। क्यों जलते हैं सब उससे? क्या बिगाड़ा है उसने किसी का? आज सुबह से पता नहीं कहाँ चला गया है। क्या कहीं चला गया है? लेकिन हम उसे वापस ले आएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझे विश्वास है कुछ दिनों में वो खुद ही लौट आएगा। मगर इतना ध्यान रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मोगली कहीं भाग गया है, नहीं तो वो फिर से उसे ताने देना शुरू कर देंगे। समझे तुम? समझ गए। माँ, मैं उसे वापस लेने जा रहा हूँ अभी। नहीं अकड़ू, मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे। मोगली को खुद अपना फैसला करने दो। मुझे पूरा विश्वास है कि वो वापस आएगा। हमें यहाँ उसका इंतजार करना होगा। अच्छा, तो वो भाग गया। उस बेचारे का कोमल दिल घबरा गया होगा। मुझे खुद ध्यान देना चाहिए था उस पर। जो हुआ सो हुआ भालू। यकीन नहीं होता उसने तुम पर हमला किया। अपने सबसे अच्छे दोस्त पर हमला, उसे कितना बुरा लगा होगा। भालू। हाँ बोलो। मेरा एक काम करोगे? चमेली ने मुझे मोगली के ऊपर नजर रखने के लिए कहा है, लेकिन मुझे डर है कहीं वो मुझे देख न ले। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम अपने दोस्त चील से बात कर सकते हो। समझा, अपनी तेज नजर से वो मोगली पर निगरानी रख सकता है। बिल्कुल, अगर कहीं मोगली मुसीबत में होगा तो चील हमें बता सकता है। अच्छा सुझाव है। चील की मदद से हम मोगली पर नजर रख सकते हैं और उसे मालूम भी नहीं होगा। लेकिन भालू, चील बिना कीमत लिए कोई काम नहीं करता, इसलिए हमें उसके लिए अच्छे खाने का बंदोबस्त करना होगा। तो क्या मोगली के खातिर हम भूखे रह लेंगे? चील, चील कहाँ हो भाई? पता नहीं कहाँ चला गया। चील, ओ चील। क्यों चिल्ला रहे हो? हमारा दोस्त मोगली कहीं भाग गया है। और तुम चाहते हो मैं उसकी तलाश करूं, यही ना? हाँ, मदद करोगे चील? हाँ क्यों नहीं। इतना याद रखो, मैं मुफ्त में कोई काम नहीं करता। एक खरगोश लूंगा। खरगोश? कितना लालची है। क्या कहा, लालची? लालची नहीं, लजीज। लजीज खरगोश लाके देंगे हम तुम्हें मोगली को ढूंढने का इनाम। ये हुई ना बात। एक बार मिल जाए तो उस पर नजर रखना, कोई खतरा हो तो बगीरा या मुझे बता देना। ये तो काम बढ़ता ही जा रहा है। पहले उसकी तलाश करो, फिर उस पर नजर रखो। काम दुगना तो कीमत भी दुगनी होगी। हाँ, दो खरगोश लूंगा, बोलो। अच्छा अच्छा बाबा, दो खरगोश। ठीक है, तो सौदा पक्का। और सुनो, किसी को बताना नहीं कि मोगली भाग गया। मुझे क्या पड़ी है किसी को बताने की। हर तरफ खामोशी है।
मुझे अपने लिए यहीं कहीं गुफा ढूंढनी होगी। जगह बिल्कुल ठीक है। भालू, अच्छा हो गया तुम आ गए। हाँ भालू, तुम भालू नहीं? गया।